मैं डॉक्टर आयशा खान, थेरेपिटिक न्यूट्रिशन। आज हम इंटरमिटेंट फास्टिंग पे बात करना चाहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग दो तरह की होती है, 8:12 to 12, दूसरी 16 to 8 hours। 16 hours हमारी एक विंडो होती है जिसको हम फास्टिंग विंडो कहते हैं। उसमें जब 8 hours बचे तो वो हो गई हमारी फूडिंग विंडो। 16 hours जो हमारी फास्टिंग विंडो होती है उसमें हम एम्प्टी स्टमक, मींस कहने का जैसे रात में सो गए, जब हम सोएंगे तो हमारे करीब 11 से 12 घंटे फास्टिंग में चले गए। अब जो 4 और 6 घंटे बचे तो उसमें हम बेसिक अपने रिक्वायरमेंट रखें, खाने से रिलेटेड नहीं, फ्रेश हुए, पूजा करी या एंड ऑल जो भी। अब 8 hours को हम रखेंगे ईटिंग विंडो पे। ईटिंग विंडो जो हम शुरू करेंगे, ओपन करेंगे, उसको हम करते हैं 10 बजे से। अब कौन कौन से फूड जो होते हैं जिसको हम ईटिंग विंडो पे रखें, तो हमेशा लाइट फूड हम ईटिंग विंडो पे रखना चाहते हैं, जिससे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप चाहें तो इसको शुरू करके देखें, इसके रिजल्ट्स आपके सामने खुद ब खुद आएंगे। कभी कभी क्या होता है कि बहुत लॉन्ग टर्म फास्टिंग के बाद हमारे सामने ये रिजल्ट आते हैं कि ये फीडबैक आता है कि बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म फास्टिंग के बाद बहुत हैवी खाने पे आ जाते हैं हम लोग, जैसे बर्गर, पिज्जा। तो ऐसा नहीं करें, हमेशा जब भी कभी ईटिंग विंडो पे हैं आप, जैसे 10 से 6, तो 10 से 6, 10 AM to 6 PM ओपन विंडो है जिसमें हम 4 लोगों से मिलते हैं। तो क्या होता है, जब 4 लोगों के बीच में मिले तो आप धीरे धीरे चाय पे भी, 4 कप चाय पी ली, 1 बर्गर पिज्जा खा लिया, और हमको ऐसा लगता है कि हम तो अभी ईटिंग विंडो पे चल रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। लाइट डाइट लीजिए, माइनर मील लीजिए, मेजर मील बिल्कुल मत लीजिए। लाइट डाइट, माइनर, जो भी आपके माइनर मील होते हैं वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। सूप, जो भी फ्रूट्स हैं, जितने भी जूसेस ना लें, फ्रूट्स लें, अच्छे फाइबर के साथ। जब फ्रूट्स का हेल्दी ब्रेकफास्ट कर लेंगे आप 10 से 11 के बीच में, तो आफ्टर 3 hours आप एक किसी भी प्रकार का लेमन टी, ब्लैक टी, सेरेमन टी, इसको आप ले सकते हैं, लेकिन गैप होना चाहिए। अब इसी में आप स्प्राउट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उसमें अच्छा फाइबर है। फिर आप 2 घंटे का गैप करिए, आपका जो लंच टाइम होता है उसमें आप लंच करें। लंच में हमेशा ध्यान रखें फाइबर से रिलेटेड लंच हो, मींस जैसे कि रोटी, सब्जी, दाल, इसके साथ भरपूर मात्रा में सलाद का इस्तेमाल करें। फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर एक लेमन टी ले सकते हैं। अब इस तरह से आप आकर 6 बजे अपने डिनर को कंप्लीट कर लें, फिर आपकी जो ईटिंग की विंडो है वो बंद हो जाएगी और फास्टिंग विंडो ओपन हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि फास्टिंग विंडो जब हमारी होती है तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लिक्विड ले लें, क्योंकि लिक्विड तो अपने आप में कोई सॉलिड नहीं है। बट आपको शायद ये जानकारी भी हम दे दें, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जूस ही तो पिया है, जूस में भी आपकी अच्छी कैलोरी होती है, तो इसको फास्टिंग विंडो पे कभी मत लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें कुछ लेना है तो आप सिर्फ पानी का इस्तेमाल करें, ग्रीन टी यूज करें, ब्लैक टी यूज करें बस, क्योंकि उसमें कैलोरी की मात्रा नहीं होती। अब अगर आप नॉर्मल टी पे आते हैं और उसको कभी भी फास्टिंग में मत रखिए, क्योंकि उसमें कैलोरी होती है। हमारे कुछ ऐसे भी डाउट्स हैं कि वो मेडिकेटेड पे होते हैं, पेशेंट हैं, है ना, या हम नॉर्मल पर्सन है, मेरी अपने आप में कोई एक मेडिसिन चल रही है, उस मेडिसिन से रिलेटेड अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आते हैं तो कोशिश करें कि अपने डॉक्टर से प्रॉपर परामर्श लें, उसके बाद ही इंटरमिटेंट फास्टिंग का अपनी लाइफ में एक पार्ट लाएं, वरना रोक दें। फिर डॉक्टर साहब का अक्सर प्रिस्क्रिप्शन होता है, उसमें लिखा होता है ये दवा आप खाली पेट लीजिए, तो आप वो ले सकते हो, बट कभी ये भी लिखा होता है कि इसको खाने के बाद लें। तो ये वाली अगर पैटर्न आते हैं आपके मेडिकेशन में तो उसको डॉक्टर से बिना पूछे इंटरमिटेंट फास्टिंग पे कभी मत जाइए। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो कई सारी डिजीज को रोकने में मदद करती है, जैसे ओबिसिटी। ओबिसिटी सबसे बड़ा पार्ट है हमारी लाइफ में, हर चौथा पर्सन जो है वो ओबीस भी होता है, उसको ये लगता है कि ओबिसिटी अपने आप में हमें कम करनी है, तो उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आना चाहिए। ये 16:8 पे काम करती है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे फीडबैक आते हैं कि उसमें कुछ ड्राउजीनेस वर्किंग है, मेल फीमेल, तो उनके साथ होता है कि एकदम से चक्कर आ गया या ऐसी कोई परेशानी आई, तो उसको 12 to 12 कर सकते हैं आप। 12 into 12, 12 घंटे
ओपन फास्टिंग विंडो और 12 घंटे ईटिंग विंडो, इस पे भी आप काम कर सकते हैं। जब उसमें आप सक्सेस हो जाएं 12x12 में, तब आप फिर 16x8 पे आ जाइए। बहुत हैवी डाइट से कभी भी ओपन विंडो, जो आपकी खुली विंडो है जो खाने की, उसको कभी भी हैवी मील से शुरू नहीं करें। हमेशा फाइबर, स्प्राउट्स, सैलेड से शुरू करें, इसके भी आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। और लास्ट वर्डिंग इन द एंडिंग, हिट रहो फिट रहो।